नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे हैवी व्हीकल फैक्ट्री की तरफ से एक छोटी सी भर्ती निकाली गई है, और ये जो कंपनी है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और अगर रक्षा मंत्रालय का नाम आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भर्ती है कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे सभी 10th और ITI दोनों में से कोई भी पास आउट कैंडिडेट अगर आप हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों आपको ये अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, फॉर्म कैसे भरना है और आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बात होंगी। तो आपको मैंने बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कंपनी आती है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर अप्रेंटिसशिप 2023 की भर्ती है, तो ये हैवी व्हीकल फैक्ट्री है क्या ना, ये जैसे आर्मी वगैरह में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टैंक वगैरह जो युद्धों में इस्तेमाल किए जाते हैं, व्हीकल वगैरह, उनका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होता है। और अगर आपको वहाँ पर वर्क करने का मौका मिले और वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिले तो समझ सकते हैं कितनी उसकी इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप की अगर अपॉर्चुनिटी या करना चाहते हैं तो आप इस जगह में कर सकते हैं। उसके लिए देखिए बेसिक क्या है कि दो तरीके का पोस्ट है, एक नन ITI और एक ITI है। नन ITI का मतलब होता है क्लास 10th पास आउट कैंडिडेट, जो केवल 10th है, जिनके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। और एक ITI जो ITI वगैरह 2 साल का कोर्स होता है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। टोटल जो सीट है वो 168 है और ये ऑल इंडिया पे है। जी हाँ, ऑल इंडिया पे ये पूरी भर्ती निकाली गई है। अप्रेंटिसशिप कोई जॉब नहीं होती है। 1 साल 2 साल की आपको कंपनी में रखा जाएगा, आपसे काम लिया जाएगा, आपको काम सिखाया जाएगा, कुछ आपको सैलरी भी मिलती है। तो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, मान लो 1 साल 2 साल की होती है, अगर आपने कंप्लीट किया तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, और वो सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है अगर आप इस तरीके की कंपनी से अगर कंप्लीट करते हो तो, ठीक है। फॉर्म जो है वो 15 मई से भरा जा रहा है 14 जून तक, मतलब एक महीने का समय है। और फॉर्म जो है ना वो ऑफलाइन के माध्यम से भरना है। जी हाँ, ऑफलाइन के माध्यम से। अब आपको लग रहा होगा यार ऑफलाइन है ये, वो कैसे भरेंगे, बहुत सिंपल है। ऑफलाइन फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ वहाँ से भी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, फॉर्म को भरना है। भरने के बाद कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसे आपका ITI का मार्कशीट, 10th का, अगर आप OBC में है या SC ST में उसका सर्टिफिकेट लगाइए, फोटो वगैरह लगा करके, और एक आपको फी पेमेंट करना है। ये फी पेमेंट करके इन सब चीज़ों को आपको भेज देना है, बहुत सिंपल सा है। फी की बात करेंगे तो जनरल OBC को 100 रुपये, मात्र 100 रुपये लग रहा है। आपको कैसे पेमेंट करना है तो इंडियन पोस्टल, आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में जाइएगा, बोलिएगा मेरे को पोस्टल बनाना है 100 रुपये का, ठीक है, और हैवी व्हीकल फैक्ट्री के नाम से, तो वो बना देंगे। या SBI कलेक्ट का नाम आपने सुना ही होगा ऑनलाइन, आप वहाँ से भी जा करके इसको बनवा सकते हैं। SC ST अगर हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 70 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। तो मतलब 100 रुपये जनरल और SC ST 70 रुपये नॉर्मल पेमेंट है। एज लिमिट की बात करेंगे तो जनरल में अगर आप आते हैं तो 15 से 24 साल। देखिए बेसिकली 15 क्यों लिया जाता, क्योंकि देखिए जनरली हम लोग का मैट्रिकुलेशन 14-15 साल में कंप्लीट हो जाता है, और ITI वगैरह भी लगभग 16-17 में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको ये कोई जॉब नहीं है, ये सिखाया जा रहा है, आपको अप्रेंटिस दिया जा रहा है, मतलब आपको कुछ समय के लिए सिखाया जाएगा। तो इसलिए मिनिमम एज आप ध्यान मत दीजिएगा 15 से लेकर के 24 साल तक जनरल वाले। OBC में है तो 15 से 27 साल, मतलब आपको यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जा रही है। SC ST को 15 से 29 साल, मतलब आपको 5 साल की छूट है। अब ये एज कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो एज का लिमिट बताया गया 14 जून तक आपको एज हो जाना चाहिए। मतलब अगर 14 जून तक अगर आपका 15 साल कंप्लीट हो जा रहा तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर 24 साल से ज़्यादा हो जा रहा 14 जून को तो नहीं भर सकते। इसी तरीके से सेम OBC SC ST को भी है। ये हो गई आपको एज की बात। अब आगे बात होगी एजुकेशन की, तो एजुकेशन में देखिए मैंने सिंपल बताया था कि नन ITI मतलब क्लास 10th पे है तो क्लास 10th पास आउट, और ITI तो ITI पास आउट। अब देखिए नन ITI में कौन कौन से ट्रेड है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिटर है, मैकेनिस्ट है और वेल्डर है। अब नन ITI में देखिए फ़ायदा क्या है ना कि आप किसी भी एक ट्रेड में ही आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई आपको ट्रेड का सर्टिफिकेट का तो ज़रूरत है नहीं, तो आप किसी में भी आवेदन कर दीजिए। अगर फिटर में जाना चाहें तो फिटर में जाइए, 32 सीट है। मैकेनिस्ट में 36 सीट है और वेल्डर में 24 सीट है। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको करने के बाद आपको लगे कि मैं इसमें जॉब कर सकता हूँ, आप उसी ट्रेड में आवेदन कीजिएगा।
अगर बात करेंगे एजुकेशन की तो 10th में आपका 50% कम से कम होना चाहिए, और मैथ साइंस ये दो सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, और ये दोनों में कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है नन आईटीआई वाले। और अगर आईटीआई ट्रेड की बात करेंगे तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो 8 सीट है आपके लिए, मैकेनिस्ट वालों को 24 सीट है, और वेंडर में 17 सीट है। आईटीआई बस आपका होना चाहिए अगर आपके पास में है, 50% कम से कम आईटीआई होना चाहिए, तो वो जनरली रहता है। अगर 10th और आईटीआई दोनों बात करेंगे तो 50-50% अगर है तो फिर आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको मैंने बताया ऑफलाइन है, तो फॉर्म आपको एक लिफाफे में भर करके लिफाफे के ऊपर ये वाला एड्रेस पे भेज देना है, टू द चीफ मैनेजर हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि चेन्नई, आपको पिन कोड है 600054 तमिलनाडु, यहाँ पर आपको फॉर्म को भेज देना है। फॉर्म भेज देने के बाद आपका सिलेक्शन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, वो बेसिकली आपकी परसेंटेज पर होता है। आपका 10th का परसेंटेज अगर है ना, आईटीआई वाले के लिए दोनों का परसेंटेज जोड़ा जाएगा, ठीक है, 10th और आईटीआई दोनों का। अगर आपका अच्छा परसेंटेज है तो आपका चांस बहुत ज़्यादा बनेगा, और अगर एक बार हो जाता है ना, देखिए कहीं फालतू बैठने से अच्छा है कि आप इसमें आप आराम से अप्रेंटिसशिप कीजिए। और अप्रेंटिसशिप का जो लोकेशन होगा वो आपको तमिलनाडु मतलब चेन्नई में ही आपको ये जा करके अप्रेंटिसशिप करना होगा। अब डिपेंड ये करता है ना कि आप मान लीजिए झारखंड के हैं, कोई बिहार के हैं, कोई उत्तर प्रदेश का, कहेंगे इतना दूर जा करके अप्रेंटिसशिप करने से क्या फ़ायदा। तो भाई ये आपको देखना है, क्योंकि देखिए कुछ स्टाइपेंड भी आपको मिलेगी। अगर इस रुपए में जो भी आपको पेमेंट वगैरह मिल रहा है, अगर इसमें आपका रहना खाना एडजस्टेबल है तो आपको करना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर आराम से किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बहुत सारी भर्तियां भी कंटिन्यू चल रही हैं। नन आईटीआई वालों को 6,000 रुपये पहले साल मिलेगा, दूसरे साल 7,000 रुपये मिलने वाला है आपको स्टाइपेंड। और अगर वही आईटीआई वालों के लिए बात करेंगे तो 7,700 रुपये पहले साल आपको मिलेगा, और दूसरे साल 8,050 रुपये आपको दूसरे साल मिलने वाला है। तो ये आपका बेसिक आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, तो मतलब 2 साल का है। अगर आप सूटेबल हैं, आप इतने सैलरी में या इतने स्टाइपेंड में यहाँ पर काम कर सकते हैं, रहना खाना सब कुछ आपका हो जाएगा, तो फिर आप आराम से इस अप्रेंटिसशिप में जा सकते हैं। 168 पद पर ये पूरी 168 पद पर ये पूरी भर्ती निकल करके आई है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हैवी व्हीकल फैक्ट्री। अगर इस तरीके की जानकारियाँ ना और चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ जो आपको नहीं पता लगती हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी पता लगेगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।